नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है जो अकोला में है। अकोला ये महाराष्ट्र में, इंडिया में है। आज जो सिंड्रोम या जो प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है धात सिंड्रोम। धात सिंड्रोम ये एक कल्चर बाउंड सिंड्रोम है जो अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस इतना है कि लोग, अगर ये सिंड्रोम किसी को हो गया तो लोगों को ऐसा लगता है कि मर जाना बेहतर है और आत्महत्या करना बेहतर है, लेकिन ये सिंड्रोम वो सहन नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। धात सिंड्रोम मतलब होता क्या है? पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि ये कल्चर बाउंड सिंड्रोम है जो डॉक्टर विग इन्होंने निकाला था, तैयार किया था, इन्वेंट किया था। धात सिंड्रोम मतलब अगर धात ज़्यादा बहने लगे। धात मतलब धातु, धातु मतलब हमारी भाषा में जिसको बोलते हैं वीर्य या सेमेन। तो धात सिंड्रोम होता क्या है? धात सिंड्रोम अगर लिंग से अगर ज्यादा प्रमाण में बहने लगे तो उसे बोलते हैं धात सिंड्रोम। बहुत सारे पुरुषों में जब वो किसी व्यक्ति से बात करते हैं, गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, बीवी से बात करते हैं, या टॉयलेट करने बैठते हैं इंडियन पद्धत से, तो उस समय पेशाब के रास्ते से वीर्य या सेमेन या धातु निकलता है, उसको बोलते हैं धात सिंड्रोम। प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू कल्चर ट्रेडिशन में ये बोला गया है कि धात बहुत ही कीमती है, यानी सेमेन बहुत ही वाइटल फ्लूइड है और उसका बाहर निकलना ये वीकनेस की निशानी है, या इससे पौरुषत्व या जो जो यानी ऐसा लगता है कि जो शौर्य का जो इंडिकेशन है वो चला जाता है, ऐसा मानना है। ऐसा हिंदू कल्चर में, हिंदू ट्रेडिशन में ऐसा पाया जाता है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी ऐसी कुछ भी नहीं है। हर एक व्यक्ति को, ऑलमोस्ट 90% लोगों को, जब ज़्यादा सेक्सुअल इच्छा होती है या ज़्यादा सेक्सुअलिटी बॉडी में आती है तो उस वक्त जो वीर्य है वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता ही है। इसलिए हमने इसमें टेंशन लेना नहीं है, लेकिन यही प्रॉब्लम किसी को समझ में नहीं आती है। जब ये पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियंस के पास जाते हैं, जीपीस के पास जाते हैं, तो लोग उनको अक्सर कंफ्यूज कर डालते हैं। लोग उनको ये बताते हैं कि धात जाना ये बहुत ही बड़ी बीमारी है और आपको कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा, या अलग अलग जड़ी बूटी लेनी पड़ेगी, या अलग दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, और ये खतरे की घंटी है, और इस कारण पेशेंट बहुत ही टेंशन में आ जाता है। लेकिन ये बात बहुत ही जरूरी है समझना कि धात जाना ये पूरी तरह नॉर्मल है और धात के कारण कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होता नहीं है। होता क्या है, जब हम किसी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं या किसी औरत से बात करते हैं या कोई सेक्सुअल मूवी देख लेते हैं या पेशाब करने हम बैठते हैं, तो उस वक्त ऐसे कोई ग्लैंड्स प्रेस हो जाते हैं, जिसके बारे में आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, लेकिन ऐसे कोई ग्लैंड्स प्रेस हो जाते हैं। वो ग्लैंड्स प्रेस होने के कारण जो अतिरिक्त सेमेन है वो जो अपना पेशाब का रास्ता है वहां से बाहर निकलते हैं और उसको हम बोलने लग जाते हैं धात सिंड्रोम। तो ऐसा ये धात सिंड्रोम है जो हालांकि एक्चुअली सिंड्रोम है ही नहीं, लेकिन लोगों ने उसको पॉपुलराइज कर दिया है कि ये बहुत बड़ा सिंड्रोम है। होता क्या है कि पेशेंट को ऐसा लगने लगता है, वो व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि ये जो धात है वो जाने के कारण मैं इम्पोर्टेंट हो गया हूं, मतलब नपुंसक हो गया हूं, मुझे शीघ्र पतन होने वाला है, मतलब प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने वाला है, या पेशेंट को लगने लगता है कि मैं पुरुष ही नहीं हूं, मैं नपुंसक हूं। तो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी धात जाना ये बहुत ही अच्छी निशानी है। इनफैक्ट मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स खुद के प्रैक्टिस में देखे हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करता था बचपन में, और हस्तमैथुन करने के कारण आज मैं उसके प्रॉब्लम्स या उसके साइड इफेक्ट्स फेस कर रहा हूँ, मुझे धात सिंड्रोम हो गया है। तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हस्तमैथुन करने के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये पूरी तरह सरासर गलत है। तो ये थी धात सिंड्रोम के बारे में जानकारी। मैं अगले वीडियो में धात के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तब तक के लिए ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे बाकी के वीडियोस देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।